अल्केन अल्के्केन अल्काइन ओके इन तीनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं ओके सो अल्केन अल्केन इज़ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ओके अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे इट इज़ अ अल्केन ओके नेक्स्ट अल्किन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन इज़ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ओके तो अगर आपको कंपाउंड दिया है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कंपाउंड लेती हूँ सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ओके तो ये कौन सा कंपाउंड होगा इट इज अ अल्केन ओके कौन सा अलकेन रहेगा अलकेन में भी होता है अगर एक कार्बन है तो अल्केन क्या रहता है मिथेन दो कार्बन के लिए अलकेन क्या रहता है इथेन ओके तो यहाँ पर कार्बन कितने थ्री कार्बन है तो थ्री कार्बन के लिए अलकेन क्या होता है प्रोपेन इसका नाम क्या रहेगा प्रोपेन ओके नेक्स्ट सी अल्किन अल्किन यहाँ पर ई एन ई आ गया यहाँ पर ए एन ई था तो क्या था सिंगल बॉन्ड ई एन ई के लिए रहता है डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए ओके okay, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओके डैट इज सी एच टू सो यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस कंपाउंड में तो ये कौन सा कंपाउंड होगा इट इज अल्किन ओके इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा कार्बन कितने हैं? कार्बन वन टू थ्री थ्री कार्बन है सो रूटवर्ड so, हम प्रॉप ही लगाएंगे ठीक है सेम रूटवर्ड होगा प्रॉप ओके okay? यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहां पर हम सफिक्स क्या लगाएंगे ई एन ई तो ये क्या बन जाएगा प्रोपीन ओके okay? नाउ कम टू अल्काइन अल्काइन इज कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ओके तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डैट इज सी एच सी यहाँ पर हम एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे एंड हीयर सी एच थ्री ओके तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट इज़ एन अल्काइन ओके किसी भी कंपाउंड में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या रहेगा अल्केन रहेगा अगर किसी भी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डैट इज अल्किन एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइन ओके कौन सा अल्काइन होगा तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं थ्री तो यहाँ पर जो भी हम प्रीफिक्स लगाएंगे रूट वर्ड रहेगा सेम रूट वर्ड रहेगा डैट इज प्रोप ओके रूट वर्ड सेम रहेगा प्रोप ओके यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स रहेगा वाई एन ई तो यहाँ पर हम लगा देंगे वाई एन डेट इज प्रोपाइन ओके नाउ सी दिनरल फार्मूला फॉर अल्केन अल्किन एंड अल्काइन ओके तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है डेट इज सी एन एच टू एन प्लस टू ओके अल्किन जनरल फॉर्मूला इज सी एन एच टू एन अल्काइन जनरल फॉर्मूला इज सी एन एच टू एन माइनस टू वेर एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन आइटम ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम लिया है वन ओके okay? तो यहाँ पर एन की जगह पर मैं वन पुट करूंगी और इस जनरल फार्मूला से मैं मोलिकुलर फॉर्मूला बना सकती हूँ ओके okay? देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर मैं लिखूँगी कार्बन को ओके देन एन क्या है वन सो सी वन एच टू एन क्या है वन इंटू वन प्लस टू ओके यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ दैट इज़ सी एच ये क्या रहेगा टू प्लस टू फोर सी एच फोर ओके तो एक कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलेंगे मीथेन ओके वैसे ही दो कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलेंगे दो कार्बन वाले मतलब यहाँ पे दो कार्बन आ जाएगा सी टू एच ओके फोर में हम ऐड कर देंगे टू तो क्या आ जाएगा सिक्स सी टू एच सिक्स इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो इस मोलिकुलर फॉर्मूला को दो कार्बन वाले अल्किन का नाम रहता है इथेन ओके वैसे ही अल्किन को देख लेते हैं अगर यहाँ पे हम टू लेंगे देखिए अल्किन और अल्काइन में सिंगल कार्बन पॉसिबल नहीं होता मैक्सिमम टू कार्बन होने चाहिए ओके सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे टू कार्बन से ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन की जगह पर टू एच टू इंटू टू क्या बनेगा यहाँ पर सी टू एच फोर दो कार्बन वाले अल्किन का नाम क्या रहेगा इ थीन ओके यहाँ पर रूटवर्ड सेम रहेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा ई एन ई ओके नेक्स्ट अल्काइन में देखिए सी एन एच टू एन माइनस टू तो यहाँ पर भी हम लेंगे टू कार्बन नंबर ऑफ कार्बन टू लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी टू एच टू इंटू टू माइनस टू ओके तो क्या फॉर्म होगा सी टू एच फोर माइनस टू टू सी टू एच टू दो कार्बन वाले अल्काइन का क्या नाम रहेगा इथाएन. ओके. Next, is, that is number of carbon 3 रहेंगे, तो अल्केन क्या रहेगा प्रोपेन ओके ये सारे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला जो हमने जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन से बनाए हैं ओके नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन फोर रहेगा तो अल्केन क्या रहेगा ब्यूटेन ओके और आपको हाइड्रोजन में क्या करना है प्लस टू करते जाना है ठीक है सी टू जब नंबर ऑफ कार्बन टू थे तो कितना था सी टू एच सिक्स सिक्स में प्लस टू किया तो एट मिला एट में प्लस टू करेंगे तो टेन मिलेगा टेन प्लस टू करेंगे 12 तो ट्वेल्व मिलेगा ओके तो नंबर ऑफ कार्बन फोर रहेंगे तो अल्केन नेम विल बी ब्यूटेन नंबर ऑफ़ कार्बन फाइव के लिए अल्किन रहेगा पेंटेन सिक्स के लिए हेक्सेन नंबर ऑफ कार्बन सेवन रहेंगे तो अल्किन विल बी हेप्टेन नंबर ऑफ कार्बन एट के लिए अल्केकिन रहेगा ऑक्टेन नाइन के लिए नोने एंड टेन विल बी डेकेन ओके नेक्स्ट अल्किन को वैसे ही हम बना सकते हैं जनरल फॉमूला से मोलिकुलर फार्मूला बना सकते हैं ओके सो अल्किन में अगर नंबर ऑफ़ कार्बन थ्री रहेगा तो अल्किन क्या रहेगा प्रोपीन ओके okay? यहाँ पर एंड में क्या लगेगा ई एन ई ओके नेक्स्ट नंबर ऑफ़ कार्बन फोर के लिए ब्यूटीन फाइव के लिए पेंटीन सिक्स के लिए हेक्सिन सेवन के लिए हेप्टिन एट कार्बन के लिए ऑक्टीन नाइन नोनिन एंड टेन विल बी डेकिन ओके नेक्स्ट फॉर अल्काइन अगर नंबर ऑफ़ कार्बन थ्री है सो so, अल्काइन क्या रहेगा प्रोपाइन ठीक है अल्काइन में हम एंड में सफिक्स का लगाते हैं वाई एन ई ठीक है देन नंबर ऑफ कार्बन फोर रहे हैं तो ब्यूटाइन फाइव के लिए पेंटाइन सिक्स हेक्साइन सेवन हेप्टाइन एट ऑक्टेन नाइन नोनाइन एंड टेन विल बी डिकाइन